भाई साहब वैलेंटाइन का महीना चल रहा है और इस समय शाहिद कपूर और कृति सरन का एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म आया है जिसका नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। पर इसमें रोमांस कुछ अलग टाइप का दिखाया जाएगा जहां पर शाहिद कपूर को प्यार हो जाएगा एक रोबोट से जिसके लिए सबको छुपा के शादी करने में भी तैयार हो जाएगा। पर क्या एक रोबोट इंसान से प्यार कर सकता है सच्चा प्यार? क्या एक रोबोट को गर्लफ्रेंड बनाना सही होगा? तो भाई देखो रोबोट को लेके हम इससे भी पहले मूवी देख चुके हैं जहाँ पर रोबोट के साथ रोमांस भी देख लिए, जैसे कि रावण फिल्म में करीना कपूर और शाहरुख खान को, उधर ही रोबोट फिल्म में रजनीकांत और ऐश्वर्या को, और इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ कृति सैनन जो कि मस्त जोड़ी लग रहा है और शाहिद कपूर का एक्टिंग और डांस मस्त लग रहा है एकदम। उसी के साथ साथ कृति सैनन को कास्ट करना एकदम सही चॉइस था। कृति सैनन और शाहिद कपूर का जोड़ी आग लगा रहा है आग। इससे पहले जो कृति का सब फ्लॉप मूवी गया ना, ये मूवी ने सब कवर कर दिया क्योंकि कृति का एक्टिंग और इन दोनों का जोड़ी एकदम परफेक्ट है। और कृति जैसा रोबोट हो तो बंदा शादी क्या जो जो करना है सब कर डालेगा। और इस फिल्म में शाहिद कपूर किया भी है। अगर रोमांटिक फिल्म की बात करें ना तो हमारे दिमाग में शाहरुख और काजल का जोड़ी आता है, पर उस टाइम रोमांस कुछ अलग हुआ करता था। और अभी जितना ज्यादा फिजिकल दिखाएगा उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। पर इस मूवी में थोड़ी बहुत किस और वो वाला सीन है, लेकिन इसका स्टोरी अच्छा है जहाँ पर शाहिद कपूर एक रोबोटिक इंजीनियर होगा जो कि अपना काम को इतना प्यार करता है वो अपना काम को घर भर और बीवी समझ लिया। और इस फिल्म में उसका बॉस होगा डिम्पल कपाड़िया जो कि उसका बुआ भी होगा। अब बुआ भी रोबोट बनाता है और भंजा भी रोबोट बनाता है, इसीलिए बुआ उसको लेता ही है क्योंकि बंदे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। और ये बात शाहिद कपूर को पता ही नहीं था कि उसका एल लगने वाला है। तो बंदा जब यूएस पहुंचता है वहां पर जाके उसका मुलाकात होता है सिपड़ा यानी कृति सैनन से। अब कृति सैनन जो एक रोबोट है उसको पता नहीं होता है, उससे पहले उसके साथ वो लापालाप टपाटप कर लेता है। फिर जब उसका हालत खराब हो जाता है वो सोचता है डॉक्टर बुला लूं, लेकिन उसका बुआ आके बोलता है इसका चार्ज खत्म हो गया। सिपड़ा मासी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसकी बैटरी डेड है, टाइम लगेगा चार्ज होने में। मतलब बंदे की अपन ऐसे चुतिया करना आप देखोगे ना हंसते हंसते पागल हो जाओगे। अरे भाई साहब एक रोबोटिक इंजीनियर है, उसको ही पता नहीं चला रोबोट के साथ टप टप कर लिया। तो बुआ तो ये देख के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है, लेकिन शाहिद कपूर बहुत गहरा दुख में चला जाता है। मतलब वो बंदा जो कि अपना काम को सब कुछ मान लिया था, एटलीस्ट जब उससे प्यार भी हो तो एक रोबोट से, तो और क्या, वो तो है एक इंसान जिसके लिए उसका दिल दुख जाता है और वो चला आता है अपना घर। पर भाई साहब हम लड़के हैं, हमको अगर कोई भी लड़की थोड़ा सा भी चांस दे दे या फिर थोड़ा सा केयर दिखा दे ना, हम उसके साथ फ्यूचर देखने लगते हैं। और यहाँ पर तो बंदे घपा घप करके बैठा हुआ है तो उसका मन से कैसे निकलेगा चाहे वो कोई लड़की या फिर रोबोट हो। मेरे मन में सिफरा के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं और ये जानने के बाद भी कि वो रोबोट है वो जान ही रही है। तो बंदा प्यार में पागल देवदास होकर सोच लेता है इससे शादी करेगा और घर वाले से छुपा के उससे शादी करने के लिए बुला लेता है यूएस से। अब देखो वो तो है एक रोबोट, वो चलता है प्रोग्राम के ऊपर बेस करके जहाँ पर लोगों का इमोशन वो समझ नहीं सकता। और ये सब साइड बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया डायरेक्टर साहब ने। मतलब एक रोबोट के साथ फिजिकल होना, उससे काम कराना और भी कुछ कराना ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ घर बसाना ये पॉसिबल नहीं है। और ये अच्छे तरीके से दिखाया क्लाइमेक्स में। मतलब एक रोबोट से तो आप सब कुछ काम करा सकते हो लेकिन उसमें भी डिफेक्ट आ सकते हैं और उसके वजह से क्या क्या इश्यू हो सकता है ये भी दिखाया, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कृति सैनन ने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया इस फिल्म में और उसकी फिल्म बीवी के बाद ये मेरा सेकंड फेवरेट फिल्म बन गया। तो भाई अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, शाहिद कपूर ने फोड़ के रख दिया। एक सीन में तो कबीर सिंह वाला और कामबंद बाई के याद आ जाएगा जो कि पूरा सेम टू सेम लग रहा था। और फिल्म का जोक और साइड कैरेक्टर भी काफी अच्छा काम किया है जिसके लिए आप फिल्म में बोर फील तो नहीं करोगे। वाह ये तो बड़ी प्यारी लग रही है। इस घर की न्यू मेंबर हरामी बहू, हमारी बहू। भले ये फिल्म वैलेंटाइन वीक में आए जहाँ पर लाभ बढ़ जाएगा मूवी देखने, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये फिल्म अगर आप सिंगल हो तो अपना फैमिली के साथ जा सकते हो या फिर खुद अकेला जाके देख सकते हो जैसे मैंने भी देखा। और अगर आपके पास गर्लफ्रेंड हो तो उसको लेके जाना और दिखाना सिपड़ा कैसे बात सुनता है।
खैर तो मजाक था, कोई भी गर्लफ्रेंड इसके लिए बुरा मत बनना और अपने अपने बंदे को संभाल के रखना। देखो भाई अगर एक बात में बताओ ना तो ये फिल्म एकदम परफेक्ट टाइम में लॉन्च किया और ये फिल्म अच्छा खासा धूम भी मचाएगा क्योंकि इस फिल्म में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ साथ अच्छा एक्टिंग भी देखने को मिलेगा। अब जब इतने तारीफ कर ही दिया तो इसमें जो खराब लगा वो भी आपको बता देते, जो कि सबसे ज्यादा बोरिंग लगा इस फिल्म का नाम। मतलब मूवी का नाम बोलते बोलते गोवा पहुंच जाएंगे। और हाँ लास्ट में जिसका केमियो दिखाएगा ना उससे तो पता चल रहा है इसका शायद सीक्वल भी बनने वाला है। अगर ये फिल्म अच्छा खासा पैसा कमा लेगा तो इसका सीक्वल भी बनेगा। लेकिन इसमें जानवी कपूर का केमियो है और वो जो बात कर रहा था वो रोबोट के साथ ऐसे लाइव जीना चाहता है जो कि इस फिल्म में शाहिद कपूर ने जिया है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर इसका सीक्वल का कोई भी न्यूज आ जाएगा तो हम वीडियो ला देंगे आपके लिए। उसके लिए आपको चैनल में सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और घंटी भी बजाना पड़ेगा। तो फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक जय इंटर बाय। तेरी बातों में।